सभी को प्राइम टीवी की तरफ से धन के पर्व धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं शिखा मेहरोत्रा आप सभी का स्वागत करती हूं। आज धनतेरस का त्योहार है जो कि बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है, लेकिन कई सवाल ऐसे हैं जिनके बारे में हमेशा सवाल जानना चाहते हैं लोग, जिसके जवाब जानना भी जरूरी है। जैसे कई ऐसे सवाल है कि पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, कैसे और किन चीजों को करना चाहिए और किन चीजों को नहीं करना चाहिए, किन चीजों को करने से माँ लक्ष्मी जी, कुबेर जी और धनवंतरी जी खुश होंगे, पूजा में किन चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए और किन चीजों से बचना चाहिए, धनतेरस में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या लेना शुभ है और क्या अशुभ है। इन सभी बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है और ऐसे ही कई सवाल हैं जिनका जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य जितेंद्र महाराज जी, जो मानस अमृत सेवा संस्थान के रामकथा वाचक भी हैं। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो क्या कहना चाहेंगे, आज धनतेरस का पर्व है तो दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? जय सिया राम। आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। आज इस धनतेरस के पावन पर्व पे आज हिंदुस्तान में नहीं विदेशों में भी भगवान श्री धनवंतरी जी का विशेष रूप से पूजन कर और साथ में भगवान श्री गणेश जी, माता लक्ष्मी जी का विशेष पूजन कर, उसके उपरांत माता लक्ष्मी का दिव्य कृपा प्राप्त कर अपने जीवन को मंगलमय कर सकते हैं। इसलिए विशेष रूप से भगवान गर्भवती माता लक्ष्मी जी और साथ में धनवंतरी जी का पूजन करें, जिससे आपके जीवन में सदैव खुशहाली बनी रहेगी। जी आचार्य जी, आज का संयोग कितना खास है? आज के संयोग की बात करते हैं तो सबसे अच्छा और उत्तम समय है। भगवान श्री गणेश जी, माता लक्ष्मी जी और धनवंतरी जी का पूजन करने के लिए और साथ में विशेष समय इसलिए क्योंकि कोरोना के बाद में ये समय हमको मिला है, जिसमें हम सभी भक्त मिलकर के भगवान का पूजन करते हैं, अर्चन करते हैं, अपने घरों में दीपमालाएं करते हैं, अपने घरों को सजाते हैं, अपने परिवार के साथ में भगवान की अर्चना कर अपने जीवन में माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करते हैं। जी, धनतेरस की पूजा का शुभ मुहूर्त कितने बजे का है? आज का जो शुभ समय है वो है आपका 6:17 से 8:10 तक का जो समय है वो बहुत अच्छा समय है, जिसमें आप सभी भगवान का पूजन कर सकते हैं। जी, धनतेरस के दिन किन चीजों को खरीदना काफी शुभ माना जाता है? सर्वप्रथम तो भगवान गणेश की मूर्ति, माता लक्ष्मी जी की मूर्ति और उसके उपरांत भगवान कुबेर जी की प्रतिमा, साथ में यदि संभव हो सके तो धनवंतरी जी की मूर्ति, नहीं तो आपको एक कैलेंडर या तस्वीर के रूप में मिलता है मार्केट में, उससे आप सभी ले सकते हैं, जिससे भगवान का पूजन अर्चन वंदन कर सकते हैं आप सभी। जी, ऐसी कौन सी वस्तु है जिसे खरीदने से घर में संपन्नता आती है और माँ लक्ष्मी, कुबेर जी और धनवंतरी जी सभी प्रसन्न होते हैं? इसके लिए सबसे विशेष है कि आप आज के दिन अगर संभवता हो सकता है तो झाड़ू खरीदें। झाड़ू खरीदने से आपके जीवन में सदैव नकारात्मक ऊर्जा जाती है उस घर से और सकारात्मक ऊर्जा उस घर में आती है, जिससे हमारे जीवन में मंगल होता है। कोशिश कीजिएगा कि उसे विषम संख्या मिले, वो आपके लिए सबसे लाभकारी रहेगा, फायदेमंद रहेगा। और साथ में अगर संभव हो सके तो आप आज के दिन धनिया खरीदें। धनिया खरीदने से भी आपको बहुत सा फायदा मिलेगा, लाभ मिलेगा। धनिया खरीदने से माता लक्ष्मी की कृपा आप पे सदैव बनी रहेगी। जी, धनतेरस के दिन 13 दिए प्रज्वलित करने का बात कही जाती है, ऐसा रिवाज बताया जाता है, तो इसके पीछे की क्या वजह है? देखिए, 13 दिया इसलिए भी कहा जाता है, इसको जलाने का, इसको प्रज्वलित करने का सबसे सही तरीका ये कि दो पक्ष पड़ते हैं, एक कृष्ण पक्ष और दूसरा शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष, कार्तिक कृष्ण पक्ष की पावन तिथि पे, जो कि आज त्रयोदशी तिथि है। त्रयोदशी अर्थात 13 दिन जी। तो 13 दिन का अर्थात है कि 13 दीपक हम सभी को प्रज्वलित करना चाहिए। साथ में उन दीपकों में सर्वप्रथम भगवान श्री गणेश जी, माता लक्ष्मी जी के पास में एक दीपक आप अपने कुल देवता के नाम पे, दूसरा दीपक अपने पितरों के लिए, चौथा दीपक आप अपने मुख्य द्वार के जहां पे आप अंदर प्रवेश करते हैं, कोशिश कीजिए दाहिने हाथ पे जलाएं। और जो यला दीपक रहेगा यह यम के लिए जाया जाता है। इस दीपक को अगर सर्वदा सर्वोच्च के लिए अगर बात करते हैं तो इसे दक्षिण दिशा के लिए जलाएं। ये आपके लिए विशेष लक्ष्मी की कृपा भी और आपके समस्त संकटों को समाप्त कर भगवान श्री यम देवता के लिए प्रज्वलित किया जाता है। इससे आपको बहुत सा लाभ मिलेगा। उसके साथ में प्रत्येक कोने में, प्रत्येक स्थानों पे, प्रत्येक स्थल पे, जहां पे भी आपका आंगन हो, जहां पे आपका नल हो, जहां पे आपकी रसोई हो, जहां मुख्य द्वार है, इन सभी स्थानों पे सुंदर सुंदर दीपक आप प्रज्वलित कर सकते हैं, जिससे आप सभी के जीवन में मंगल बना रहेगा। जी आचार्य जी, तीन तरह के दिए जलाए जाते हैं, घी के दिए, कड़वे तेल के दिए और तिल्ली के तेल के दिए, तो इन तीनों का अलग अलग महत्व भी होता है, वो भी जानना चाहेंगे। सर्वप्रथम हम बात करते हैं देसी घी के दीपक की। देसी घी का दीपक जलाने से हमारे जीवन में सदैव सकारात्मक ऊर्जा का विस्तार होता है। सकारात्मक ऊर्जा हमारे स्थान पे हमारे परिवार में सदैव बनी रहे, जिससे हम सभी के जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आता है। देसी घी का दीपक कम से कम 5 देसी घी के दीपक अगर संभवतः बन सके 11-21 जलाएं, जो कि उत्तर दिशा में आपको जलाना है। उत्तर दिशा में जलाने से भगवान श्री राम, माँ जानकी जी और प्रभु श्री हनुमान जी महाराज, माता लक्ष्मी, भगवान श्री गणेश जी की दिव्य कृपा आपके परिवार पर सदैव बनी रहेगी। इसे कोशिश कीजिए उत्तर दिशा में जलाइए, जिससे आपका कल्याण होगा। और साथ में तेल के दीपक को जलाने से आपके घर में लक्ष्मी की कृपा होगी। वो भी आपको विषम संख्या में जलाना है, 11, 21, 51 जितने संभवतः हो सकते। और साथ में तिल्ली के तेल, अगर जीवन में कभी भी किसी प्रकार की कोई नकारात्मक ऊर्जा का विस्तार हो रहा है आपके जीवन में, तो तिल के तेल का दीपक जलाने से आपके जीवन में सदैव कल्याण होगा। जी आचार्य जी, धनतेरस का त्योहार है, हर त्योहार के पीछे कोई ना कोई कथा जरूर होती है, धनतेरस के पीछे क्या कथा है? धनतेरस की कथा के हम आपको बताते हैं। ये उस समय की बात है जब देवता और असुरों में समुद्र मंथन में भगवान की कृपा के फलस्वरूप अनेक रत्न प्राप्त हुए। उसी में धन्वंतरी जी महाराज जी प्रकट हुए, जो अपने हाथ में सुंदर सा एक चांदी का पात्र कलश लेकर के उसमें अनेकानेक बहुत से उपहार, जिसमें धन की कृपा आप सभी को बने रहे, इसलिए अपने सुंदर से उस पात्र को लेकर के वो प्रकट हुए। और वैसा ही समय था त्रयोदशी के 2 दिन पूर्व भगवान श्री धन्वंतरी जी का प्रकट हुआ। प्रकट के साथ में धन्वंतरी जी का पूजन करने का जो सबसे बड़ा फायदा है, उससे हमारे जीवन में समस्त रोग समाप्त होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करता है, लेकिन धन्वंतरी जी का पूजन नहीं करता, जिसका कारण है कि उसके जीवन में रोग सदैव बने रहते हैं। रोग को समाप्त करने के लिए हमें धन्वंतरी जी का पूजन करना चाहिए और साथ में धन्वंतरी भगवान की कृपा प्राप्त करनी चाहिए। आज के दिन प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए एक अच्छे से पात्र में, वो आपका पीतल का हो, तांबे का हो या किसी अन्य चीज का भी, जो कलश आपको संभवता हो जाए उसको लीजिए। उसमें आपके पास जो भी चांदी के सिक्के पूर्वत हैं, जो महालक्ष्मी के पास, या उसके उपरांत जो आप आज के दिन लाए, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को पीतल का, तांबे का, स्टील का, जिस प्रकार से भी बन सके, जिसके पास जितनी तथा हो, उस हिसाब से वो अनेक प्रकार की सामग्री अपने घर में ला सकते। लाने के बाद इसी पात्र में रख करके विधि पूर्वक इसका पूजन करें, जिससे भगवान श्री धन्वंतरी की कृपा आपके बने जीवन में बनी रहे और साथ में समस्त रोग आपके जीवन से समाप्त हो जाए और नकारात्मक हो जाए आपके जीवन से समाप्त हो जाए। जी आचार्य जी, सोने को खरीदना काफी शुभ माना जाता है धनतेरस के दिन, तो सोने को खरीदना क्यों शुभ माना जाता है, इसके पीछे की वजह क्या है? सोने को खरीदने का जो सबसे अच्छा कारण है, स्वर्ण जो होता है वो स्वर्ण सदैव चमकता है। जी स्वर्ण सदैव चमकता है, तो हमें क्या करना है कि कोशिश करें कि संभवतः हो सके तो स्वर्ण खरीदें। स्वर्ण हमारे जीवन में आएगा, क्योंकि कुबेर भगवान को सबसे अधिक पसंद है स्वर्ण, क्योंकि आप जब भी कभी उन्हें देखेंगे तो उनके पूरे शरीर पे स्वर्ण ही स्वर्ण, और जब हम स्वर्ण रख करके भगवान का पूजन करेंगे तो कुबेर भगवान तो अत्यधिक पसंद हो जाएंगे। जी, जिनकी तथा नहीं होती है वो स्वर्ण की जगह चांदी लेना पसंद करते हैं, चांदी को भी काफी शुभ माना जाता है, तो उसके पीछे की क्या वजह है, चांदी क्यों शुभ मानी जाती है? चांदी का जो शुभ होने का प्रतीक है, चांदी आपने जैसा भी कहा कि सबको नहीं खरीद सकते, हकीकत ये है कि चांदी थोड़ी सी सस्ती आती है, अब वो आसानी से लोग उसे प्राप्त कर सकते, उसे लेने से भी जीवन में मंगल हो सकता है। जी चांदी को शीतल भी बताया जाता है, जीवन में शीतलता बनी रहे, क्या यह भी वजह है? जैसे किसी को क्रोध आता है तो क्रोध की वजह में आचार्य लोग, महाराज जी लोग प्रेम से कहते हैं कि आप चांदी धारण के लिए, चांदी धारण करने से क्रोध शांत हो जाता है। और जीवन में क्योंकि लक्ष्मी का पूजन कर रहे हैं, धन्वंतरी जी का पूजन कर रहे हैं, जब क्रोध जीवन में बढ़ जाता है तो रोग भी बढ़ जाएंगे। और रोग बढ़ने का मतलब है कि आपके जीवन में अनेक प्रकार की विपत्ति आना प्रारंभ हो जाएगी। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि कोशिश करें कि धन्वंतरी जी की कृपा प्राप्त करनी है तो अपने क्रोध को शांत करना। आज के समय में अगर जिसने अपने क्रोध को शांत कर लिया, उसके जीवन में सदैव मंगल होगा। क्रोध शांत करने का सबसे सरल तरीका है चांदी को धारण करना। चांदी संभवतः किसी के पास नहीं हो सकती है, तो हमेशा याद रखिए जब प्रत्येक व्यक्ति जब क्रोध में होता है तो अपने इस उंगली को प्रत्येक व्यक्ति उठाता है, इसे अहंकार की उंगली कहते हैं, और अहंकार बढ़ जाता है। आपने कभी देखा होगा जब क्रोध किसी को आता है तो प्रत्येक व्यक्ति ऐसे बात करता है, लेकिन कभी किसी को ऐसे बात करते हुए नहीं देखा होगा, कभी किसी को ऐसे नहीं। क्यों? क्योंकि अहंकार की उंगली है और साथ में एक इसकी उंगली है, ये अंगूठा जो हम बोलते हैं, ये भगवान ब्रह्म है। ब्रह्म को बड़े प्रेम से निवेदन करते हुए जब क्रोध आपका बढ़े तो आप इस अहंकार को इस ब्रह्म के समीप लाइए, और जैसे ही आप लाएंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आपका क्रोध धीरे धीरे शांत हो जाएगा, और जब क्रोध शांत हो जाएगा तो आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई बीमारी आने वाली नहीं है, और धन्वंतरी जी महाराज की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। जी आचार्य जी, जो व्यक्ति सोना और चांदी दोनों नहीं ले सकते हैं वो तांबे के बर्तन या फिर तांबे की वस्तु लेते हैं, तो तांबा कितना शुभ होता है? बात आपने बिल्कुल सही कही है। बहुत से लोग स्वर्ण ले सकते हैं, बहुत से लोग चांदी ले सकते हैं, इन दोनों को भी बहुत से लोग नहीं ले सकते हैं, उनके लिए तांबा और पीतल का आ गया। तो तांबा पीतल भी लेना बहुत शुभ है। तांबे पीतल के साथ में अगर संभवता हो सके मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तो उसके बाद सबसे सस्ता आता है आज के समय में स्टील। प्रत्येक व्यक्ति को स्टील का कोई ना कोई सामान लेना चाहिए, चाहे वो चिम्मच हो, चिम्मच के अलावा कटोरी हो या गिलास हो, या अनेक प्रकार के बहुत से छोटे छोटे सामान है जो ले लें। और विशेषता मैं सभी भक्तों से एक निवेदन करूंगा, आज के समय में, आज धनतेरस के पावन पर्व पे आप सभी खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन अनेकानेक सभी स्थानों पे मैंने देखा है सभी के घरों में भगवान की पूजा तो हम विधि पूर्वक करते, खूब सारा रोली, सिंदूर, कपूर, धूपबत्ती, अगरबत्ती सब खरीद के लाते, खूब सारी सुपारी, कमल गट्टे खरीद के लाते, लेकिन उनका रख रखाव कोई सही से नहीं रखता। इसलिए मैं प्रत्येक व्यक्ति से निवेदन करता हूँ, प्रत्येक भक्त से निवेदन करता हूँ, आज के दिन अगर संभव हो सके तो प्रत्येक व्यक्ति को मसालदानी खरीदनी चाहिए। मसालदानी में आपने देखा होगा 5, 7, 8 कटोरियां लगी रहती, साथ में चिम्मच रहता है। अगर हम उसको लाएं, पूजा स्थल पे रखें, और जितना भी पूजा का सामान इधर उधर फैलाए, उस पूजा के सामान को प्रत्येक कटोरी में रख दें, और जब भी मन हो उसको निकालें, विधि पूर्वक पूजन करें, तो देखना आज की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहेगी। ये आपने बहुत अच्छी चीज बताई है कि मसालदान को हम पूजा सामग्री रखने के लिए भी अच्छे से उपयोग कर सकते हैं। मिट्टी के बर्तन क्या आज के दिन खरीदे जा सकते हैं? क्योंकि कुछ लोग बहुत ही ज्यादा गरीब होते हैं या फिर उनकी तथा नहीं होती है कि वो किसी भी धातु के बर्तन को ले सके, हर व्यक्ति एक समान नहीं होता है, तो क्या वो मिट्टी के बर्तन ले सकता है? बिल्कुल, आपने मिट्टी के बर्तन की बात कही है। देखिए, पुराने समय में लोगों के पास इतना धन नहीं होता था, उस समय वो इतनी अच्छे से खरीदारी नहीं कर सकते थे, लेकिन उस समय गाँव के कुम्हार उस घरों के मुख्य द्वार पे आते थे, दिवाली के 1 दिन पहले 2 दिन पहले या धनतेरस के दिन आते थे, मिट्टी के दिए देते थे, कच्चा दीपक देते थे, और बहुत सी चीजें लाते थे, वो दे देते थे। उसके संभवतः उस समय लोगों के पास पैसे नहीं होते थे, तो लोग कहते थे जब मेरा अनाज कटेगा तो मैं उस समय आपको दे दूंगा, और ऐसा करके कुम्हार उस स्थान से चला जाता था, और जब उसका अपना अनाज आता था उसके बाद वो अपने कुम्हार को देता था, कुम्हार भी प्रसन्न रहता था, वो लोग भी। तो प्रत्येक व्यक्ति को कोशिश करें, मिट्टी के बर्तन लेते हैं तो उसमें कुछ भी नहीं, क्यों? क्योंकि मिट्टी तो प्यारे अपने देश की, और देश की मिट्टी आपके पास है, तो फिर क्या कहना है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को मिट्टी के बर्तन लेंगे तो बहुत शुभ है। जी, बर्तनों की बात तो हो गई। अब लोग कपड़े खरीदना और पहनना भी पसंद करते हैं त्योहार के वक्त पे, तो क्या ऐसा कुछ है कि आज के दिन यानी धनतेरस के दिन रंगों के अनुसार कपड़े पहनने चाहिए या फिर पीले कपड़े ही पहनने चाहिए? ज्यादातर होता है, आपने हमने सबने पीला भी पहना है, तो क्या पीले कपड़े पहनने का महत्व होता है और किस रंग के कपड़े ज्यादातर चुनने चाहिए त्योहार के? बिल्कुल सही आपने कहा। हम बात करते हैं आज के दिन धनतेरस पे, दिवाली पे, भाई दूज पे। आज से 5 दिवसीय पूजा प्रारंभ हो रही है और आज से विधि पूर्वक पूजन करेंगे, तो हम सभी से निवेदन करेंगे इन 5 दिवस में कोशिश करें कलरफुल कपड़े पहने, क्यों? क्योंकि कलरफुल कपड़े भगवान को अत्यधिक प्रसन्न करता है। कोशिश है, क्योंकि जिस प्रकार से हम अपने घर को, भवन को सजाते हैं, धूप दीप नैवेद्य से सुंदर से झालर लगाते हैं, फूलों से सजाते हैं, ऐसे ही अपने वस्त्रों का भी चयन हमें अच्छे से अच्छा करना चाहिए। कोशिश करें, हमें काला नीले का परहेज करना है, येलो ऑरेंज रेड इन कपड़ों को पहनना है, इसे पहनने से हमारे जीवन में सदैव कल्याण होगा। जी, धनवंतरी जी को किस चीज का भोग लगाए जो कि वो प्रसन्न हो जाए? बिल्कुल, आपने सही बात कही है। धनवंतरी भगवान को कोशिश करें कि अपने घर में बनाया हुआ कोई अच्छा सा पदार्थ, जैसे कि कोशिश करें जैसे खीर बन सके जो आपके शुभ हाथों से बने, आपकी महिलाएं जो घर में रहती हैं वो अपने हाथ से भोग लगाएं, साथ में खील और बतासे। आजकल आप मार्केट में देखते हैं बहुत से अच्छे खिलौने आते हैं, उनका भी भोग आप लगा सकते हैं, जैसे धनवंतरी महाराज बहुत प्रसन्न होंगे और आपके समस्त रोगों को आपसे दूर कर देंगे। जी, माँ लक्ष्मी और कुबेर जी को कैसे खुश किया जा सकता है? माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सबसे सही तरीका है आज के समय प्रत्येक व्यक्ति को, जैसे ही दिवाली, वैसे तो प्रत्येक व्यक्ति आज के समय बहुत बिजी रहता है, बिजी लाइफ है, रात्रि में देर से सोता है और देर से जगता है, लेकिन इन 5 दिवसों में अगर संभवता हो सकता है कि माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना है तो प्रत्येक व्यक्ति प्रातःकालीन ब्रह्म मुहूर्त में जगे, और जगने के बाद में सर्वप्रथम वहीं से माँ लक्ष्मी को प्रणाम करें। माता लक्ष्मी को अपने ही आसन पर बैठ करके अपने कपड़े को, अपने आंचल को फैलाए और निवेदन करे कि प्रभु मेरी माँ आप मेरे घर में विराजिए, मैं अपने मुख्य द्वार को खोलने जा रहा हूं, आप अपनी कृपा हमारे परिवार पर बरसाएं और मुख्य द्वार पे जाकर के मुख्य द्वार को खोले और माँ लक्ष्मी की कृपा उसके घर में सदैव बनी रहेगी। जी, तो धनतेरस के दिन क्या खरीदारी करनी चाहिए ये तो आपने बता दिया, लेकिन कोई ऐसी चीज जो कि बहुत ज्यादा शुभ हो जिसको जरूर खरीदना चाहिए। विशेषकर आपने बहुत अच्छी बात कही है, आज के दिन अगर संभव हो सके तो आपको झाड़ू खरीदनी चाहिए। झाड़ू से आपके जीवन में सदैव कल्याण होगा। झाड़ू कोशिश कीजिएगा विषम संख्या में 3, 5, 7 ऐसे लीजिए और खासकर वो झाड़ू खरीदिएगा जिससे आप अपने घर के आंगन को बुहारते हैं, तो कोशिश कीजिए फूल वाली झाड़ू हो। इसे ला करके आप विधि पूर्वक अपने पूजा स्थल पर रखिए। जब धनतेरस का पूजा प्रारंभ हो, पूजन के समय में आप उसे बांध करके लाल, पीले, नारंगी रंग का कपड़ा अगर आपके पास संभव हो मिल सके तो उससे बांधिए, और अगर नहीं है तो आपके पास रक्षा सूत्र होगा, रक्षा सूत्र को बांध करके माँ लक्ष्मी से प्रार्थना कीजिए, प्रभु इससे नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो और सकारात्मक हमारे जीवन में प्रवेश करे। और साथ में एक विशेष चीज का आपको ध्यान रखना है, वो ध्यान क्या रखना है कि आपको आज के दिन प्रत्येक व्यक्ति अपने घर में, परिवार में इन 5 दिवसों में झाड़ू लगाएगा। झाड़ू लगाने के बाद इस कूड़े को आपको घर के बाहर नहीं फेंकना है, एक स्थान पर रखते रहे। जब 5 दिन पूर्णता समाप्त हो जाए फिर अपने कूड़े को निकाले। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि माँ लक्ष्मी बहुत सी चीजों को लेकर के आती है, पता नहीं वो कब क्या चीजें लेकर के आए, इसका अनुभव हम आप कदाचित कर नहीं सकते। जी, किन चीजों से बचना चाहिए? आज के दिन लोग खरीदारी तो करते, सब कुछ खरीदते हैं, लेकिन किस चीज को नहीं खरीदना चाहिए? विशेष आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया मुझसे। इस समय कोशिश करें हमें लोहे के द्वारा कोई भी ऐसी वस्तु नहीं खरीदनी चाहिए। आज के दिन लोहा कदाचित नहीं खरीदना चाहिए, लेकिन आजकल लोगों को तो बहुत सी चीजें हैं जो लोहे से बनती है, लेकिन कोशिश करें स्पेशल रूप से लोहा ना खरीदें। जैसे कि लोहे का चिमटा हो गया, लोहे का तवा हो गया, लोहे की कढ़ाई हो गई, इन चीजों से हमें प्रत्येक व्यक्ति को बचना है और अपने जीवन में भगवान की कृपा प्राप्त करनी है। इलेक्ट्रॉनिक का सामान और जिस तरह से गाड़ियां हो गई ये लोग बहुत लेते हैं, तो क्या ये लेना शुभ होता है? इस हिसाब से तो वो चीजें सही है, लेकिन स्पेशली मैंने आपसे बात कही जो आप अपने घर में माँ अन्नपूर्णा की कृपा, क्योंकि लक्ष्मी के साथ माता अन्नपूर्णा की भी कृपा प्राप्त करनी है, तो इसलिए कोशिश करें ऐसी चीजों को ही खरीदें जो आपके जीवन में सदैव मंगल करें। और वाहन तो खरीदना है इसलिए भी सुबह, क्योंकि आपको इसे दिन प्रतिदिन चलना है, प्रत्येक चीजें आप दिन प्रतिदिन इसे करेंगे, इसी में आपको सभी का मंगल है। जी, हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को कोई अच्छा सा संदेश दे जिनकी वजह से वो अपने त्योहारों में नकारात्मकता को दूर रख सके और अपने त्योहार को अच्छे से मना सके। ये बात तो आपने बहुत अच्छी मुझसे पूछी कि नकारात्मक ऊर्जा को, देखिए आज के समय में प्रत्येक व्यक्ति दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करता है, अपने प्रत्येक त्योहारों को अच्छे से करने का प्रयास करता है, लेकिन हम आप सभी भक्तों से एक विशेष निवेदन करेंगे कि जीवन में 2 चीजें सत्य हैं, एक जीवन में आना, दूसरा जीवन से जाना, इसके अलावा कुछ भी सत्य नहीं है। तो इसलिए प्यारे, आए हो तो जाओगे, चाहे वो राजा हो या फिर फकीर, जाना तो सभी को। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना है, हमें अपने बड़ों का सम्मान और छोटों से प्यार करनी है। साथ में एक चीज विशेष करनी कि इस दिवाली, इस धनतेरस, इस भाई दूज पे आपसे कोई व्यक्ति दुखी ना हो। क्यों? क्योंकि त्यौहार तो आप अपने दीपों को जला रहे हो, खूब सारा फूल लिया है, खूब सारा रंग बिरंगी चीज़ों को लिया है, खूब मूर्तियाँ हैं, खूब पटाखे लिए, लेकिन कभी आपने सोचा है कि आपके आसपास में ऐसे बहुत से दुखी लोग होंगे जो बहुत कष्ट में होंगे, उनसे कृपा अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में खुशहाली रहे तो उनको देख करके आप कदाचित अनदेखा ना करें। क्यों? क्योंकि आप अपने जीवन बहुत से पैसे कमाओगे, बहुत से जोड़ोगे, लेकिन आपके 5, 10, 50, 100 रुपए किसी दूसरे व्यक्ति को देख करके उसकी दिवाली का अच्छे से आपने मना ली तो समझ लेना वो इतना आशीर्वाद देगा कि आपके जीवन में कभी भी माता लक्ष्मी आपसे रोट के आपके घर से कभी नहीं जाएंगी। ये मेरा विशेष निवेदन है कि बड़ों के साथ, छोटों के साथ, गरीबों के साथ में जिसके घर में कुछ भी नहीं प्यारे, वहां पर जाकर अगर 5-7 दिए, कुछ पैसे, कुछ खिलौने अगर आपने देख लिया तो समझ लेना आपका कल्याण हो जाएगा। भगवान की कृपा आप पे सदैव बनी रहेगी। बिल्कुल आचार्य जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को इतनी जानकारी देने के लिए कि धनतेरस पे क्या शुभ है, क्या नहीं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं। आशा करते हैं आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। हमारे साथ आचार्य जितेंद्र जी महाराज जी मौजूद हैं जिन्होंने हमें ये तमाम जानकारी दी है, जो कि मानस अमृत सेवा संस्थान के रामकथा के सरस गायक हैं। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ और दिवाली, धनतेरस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।